आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वायरिंग बोर्ड में फ्यूज और इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम जान लें कि फ्यूज का इम्पोर्टेंस क्या है ना। फ्यूज किसी भी सर्किट में एक सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस का काम करता है ना। शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन में फ्यूज मेल्ट होकर के पूरे सर्किट का कनेक्शन काट देता है, ठीक है। इसीलिए फ्यूज के आगे का जो वायरिंग है वो जलने से बच जाती है, ठीक है, यानी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो हम किसी भी वायरिंग बोर्ड में फ्यूज का स्थान सबसे पहले होता है ना, उसके बाद में इंडिकेटर और उसके बाद में स्विचेस एंड सॉकेट्स होते हैं, स्विच और सॉकेट, है ना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि फ्यूज और इंडिकेटर की वायरिंग कैसे होती है। उसके पहले हमारा ये जानना बहुत आवश्यक है कि फ्यूज और स्विच हमेशा फेज के सीरीज में होते हैं। यानी सीरीज में होने का मतलब ये है कि फ्यूज के एक पॉइंट पर फेज इन होगा और दूसरे पॉइंट से फेज आउट होगा। ऐसे ही स्विच में भी होगा, है ना। स्विच के एक पॉइंट पर फेज इन होगा और दूसरे पॉइंट पे फेज आउट होगा। तो फ्यूज और स्विच हमेशा लाइन के सीरीज में होते हैं या फेज के सीरीज में होते हैं और हमेशा फेज पर ही रखे जाते हैं, न्यूट्रल पर नहीं, है ना। और इसके अलावा इंडिकेटर होल्डर सॉकेट सीलिंग रोज ये हमेशा लाइन के पैरेलल में होते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि इनके एक पॉइंट पर फेज होगा तो दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल होगा, ठीक है। चलिए हम बोर्ड को खोल के देखते हैं। अब हम इस सर्किट बोर्ड में देखते हैं कि फ्यूज और इंडिकेटर की वायरिंग कैसे की जाती है ना। इसके आगे स्विच और लैंप और सॉकेट की वायरिंग कैसे होती है आप हमारे पहले के वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा उसके विषय में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम इसको पलटा के देखते हैं। ये हमारा फ्यूज है और ये हमारा सप्लाई का केबल है, रेड केबल फेज का। इस फ्यूज में फेज इन हुआ है और ये दूसरे पॉइंट से फेज ही आउट हुआ है। यानी हम इसको कहेंगे कि ये जो फ्यूज है लाइन के सीरीज में है और ये फेज पर है, क्योंकि इस पे फेज ही इन हो रहा है और फेज ही आउट हो रहा है। दूसरा हमने चर्चा की थी कि फेज के अलावा जो हमारे स्विच होते हैं वो भी फेज पर ही होते हैं, है ना, और स्विच से ही हमेशा फेज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्विच है, तो इसके एक पॉइंट पर भी ये फेज ही आया है और ये दूसरे पॉइंट से भी ये फेज ही निकला है, रेड, है ना। और तीसरा स्विच हमारा ये है, है ना, ये वाले स्विच के एक पॉइंट पर भी ये फेज ही है और ये दूसरे पॉइंट से भी ये फेज ही निकला है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इंडिकेटर की। ये है इंडिकेटर, इसके एक पॉइंट पर ये फेज है और ये दूसरे पॉइंट पे ब्लैक वाला केबल यानि न्यूट्रल है। तो ये जो इंडिकेटर है लाइन के पैरेलल में हो गया, है ना। फिर हम चर्चा करते हैं इस लैंप होल्डर की, है ना, ठीक है। तो ये लैंप होल्डर भी हमेशा लाइन के पैरेलल में होता है। अगर आप हम इसको पीछे से देखें तो इस लैंप होल्डर के एक पॉइंट पर भी फेज है और दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल है, यानी ये लैंप होल्डर भी लाइन के पैरेलल में हो गया। तीसरा हमने आपसे कहा था कि 5 पिन या 3 पिन जो सॉकेट होता है ये भी लाइन के पैरेलल में होता है, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट पर भी ये फेज है और ये दूसरे पॉइंट पे
न्यूट्रल है और ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। अब हमने ये इस स्विच से इस लैंप को कंट्रोल किया है, तो इस स्विच के दूसरे पॉइंट से ये फेज उठ के ये लैंप के एक पॉइंट पे है, ठीक है। यानी कि ये वाला लैंप इस स्विच से कंट्रोल है, ये लैंप इस स्विच से कंट्रोल है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं ये वाले 5 पिन सॉकेट की। ये हमारा स्विच है, हमने इस 5 पिन सॉकेट को इस स्विच से कंट्रोल किया है, ठीक है। तो ये वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेज उठ के ये 5 पिन सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट में आया, दूसरे पॉइंट पे ये। अब हम इस बोर्ड को टेस्ट करके देखते हैं। अब हम इस सर्किट बोर्ड को टेस्ट करके देखते हैं, है ना। इसके लिए हमने इसका जो 3 पिन टॉप है दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड से सप्लाई दी हुई है और उसके स्विच को हम ऑन करते हैं। ऑन करने से ये इंडिकेटर जल गया, है ना। क्योंकि हमने कहा था कि इस स्विच से ये वाला लैंप होल्डर हमारा कंट्रोल है, तो ये स्विच हम ऑन किया, ये लैंप जल गया, ठीक है। अब हम इस 5 पिन सॉकेट को चेक करते हैं। उसके लिए हमने ये लैंप यहाँ से निकाल दिया और ये एक दूसरा है लैंप और इससे हम ये वाला 5 पिन सॉकेट टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। और इन केस कभी ऐसा होता है कि फेज यानी कहीं भी इस फ्यूज के आगे अगर शॉर्ट सर्किट होता है ना। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये है कि फेज सीधे सीधे न्यूट्रल से टच होना, ठीक है। अगर हम ये करके देखेंगे कि एक टेस्ट लीड को यहाँ पर इंसर्ट करके सीधे सीधे न्यूट्रल को फेज से शॉर्ट अगर हमने कर दिया तो ये फ्यूज यहाँ से मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज ये पूरे सर्किट का यानी फेज का सप्लाई कट कर देगा और हमारा सर्किट जलने से बच जाएगा। अगर फ्यूज यहाँ से सर्किट को कट करता है तो ये इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से फ्यूज मेल्ट हो गया है या फ्यूज हमारा फ्यूज ने हमारे सर्किट को कट कर दिया। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है और हर सर्किट में फ्यूज होना जरूरी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।